हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इन्फोलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं रवि, आज आपको लेके आया हूँ मिलेनियर्स ड्राइव में, जहाँ पे आपको मिड रेंज से लेके मतलब अल्टो से लेके जैकुआर, ऑडी, इस सभी कार्स यहाँ आपको मिल जाती है। तो आइए हम एक एक करके आपको कार का प्राइस, मॉडल, और साथ में हमारे साथ निशान जी हैं जो हमें सब कुछ बताएंगे, कार्स का प्राइस, रेंज क्या है, मॉडल क्या है, ये सभी चीज़। तो आइए फर्स्ट कार से हम शुरू करते हैं। तो पहली कार हमारे पास जो है यहाँ पे वो हो गई हमारी पास सफारी। शुरू करते हैं वन साइड से ताकि प्रॉब्लम ना हो, कोई कार छूटे ना। तो आप देख पा रहे हैं ये सफारी कौन सी मॉडल है? ये सफारी आपको 12 की है, 2012 की मॉडल है। इस सफारी कितना किलोमीटर ये चली हुई है? ये चली हुई आपको 63,000 चली हुई है। 63,000 देख सकते हैं। ये टॉप मॉडल है क्या जी? ये बीच की हो गई, मिडिल मॉडल हो गई। ओके, तो आप देख सकते हैं सफारी जी। और इसके बाद हम आ जाते हैं तो सफारी को एक बार अंदर से भी दिखा देते हैं, अगर खुला हुआ है तो आप देख सकते हैं सफारी को। चलिए अब सेकेंड कार की तरफ चलते हैं। ये मारुति स्विफ्ट ZDI टॉप मॉडल हो गई है। ओके, डॉक्टर गिवन कार है। 2014 मॉडल जारी है, बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में है। हमारे यहाँ 6 महीने के इंजन और गियरबॉक्स की गारंटी भी है साथ में जी। ये कितना किलोमीटर चली हुई है? ये अराउंड चली हुई 28,000 चली हुई गाड़ी। 28,000 किलोमीटर जी। तो उसके बाद इस कार ये ZDI है टॉप मॉडल, इसको भी हम जरा अंदर से दिखा देते हैं। रियर सीट से ज़्यादा अच्छा दिखता है। इसका मॉडल मुझे याद नहीं आ रहा, फिर से बताइए। 2014 की मॉडल है ये। 2014 मॉडल ZDI। और बाकी इसमें क्रोम फिनिश ये सब लगाया गया है। सारा कुछ फिनिशिंग होके सारा कुछ गाड़ी कंप्लीट है। अब ये स्कोडा। ये स्कोडा रैपिड जी। ये कौन सी मॉडल है? 2012 की मॉडल है ये जी। और चली भी अराउंड है आपको 43,000 चली भी गाड़ी है। 43,000 किलोमीटर, 4,25,000 की रेट है, रैपिड हो गई है। इसका अगर इंटीरियर देखे तो इस लॉक है ये गाड़ी अभी। अच्छा, खुला हुआ है। एक मिनट, कितने एयरबैग है इसमें? इसमें आपको 4 एयरबैग है। 4 एयरबैग के साथ ही मिलती है। स्कोडा तो एक्चुअली मिड लग्जरी रेंज में भी आ जाती है। प्रीमियम गाड़ी है, प्रीमियम सेडान गाड़ी है। आपको ये एसी है? अच्छा, एसी वेंट्स आपको पीछे भी मिल जाते हैं। इसका प्राइस और ये मॉडल एक बार आप फिर बता दीजिए मुझे। 2012 चली हुई है। चलिए अब आ जाती है ऑडी है, और टवेरा बुलोरो सफारी, इसके बारे में बताइए। ये आपको हो गई ऑडी Q3 हो गई, टॉप मॉडल। ये आपको 2014 की गाड़ी है, 15 की रेंज की है, 3,000 गाड़ी चली हुई है, टॉप मॉडल। रियर सीट हम ओपन करते हैं। चलिए ये ऑडी हो गई Q3 डीजल मॉडल। अब नेक्स्ट आ गई हमारे पास जैगुआर। 10 सेगमेंट है जगुआर XJL, टॉप मॉडल हो गई जा रही। इसके ऑन प्राइस लोड कैसी है? 1.75 करोड़ की ये हम लोग सेल आउट कर रहे हैं। 51 लाख, 1.75 करोड़ की इसके ऑन रोड प्राइस है। और अभी आप कितने में इसको सेल कर रहे हैं? ये 51 लाख रखे हुए हैं इस रेंज का। अच्छा, इसको भी जरा दिखा देते हैं।
वैसे तो लग्जरी कार में लग्जरी डिजिटल कार कुछ ऐसा हो है ही नहीं जो मिसिंग हो, सभी इसमें फैसिलिटीज आपको मिल ही जाएगी लगभग। और यहाँ पे खास क्या है, यहाँ पे भी आपको कंट्रोल्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं, इससे अपग्रेड होता है। इससे आपको ट्रे सिस्टम हो गया, ये जी यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, डिस्प्ले हो गया, ट्रे सिस्टम हो गया, फोल्डेबल है ये। और फ्रंट से भी एक बार देख के और बता दीजिए थोड़ा इसका, इसके बारे में। इसके बारे में देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस आपको, सिटिंग स्पेस, और चलिए जैक्वार है तो क्या बोल रहे हैं। चलिए फिर से मिड रेंज की तरफ चलते हैं, आइए। तो मिड रेंज से पहले एक और कार है, ये हमारी मर्सिडीज कन्वर्टेबल हो गई। क्या बोले, इधर आइए। मर्सिडीज कन्वर्टेबल हो गई E350, सारा कुछ का सनरूफ वगैरह सब कुछ खुलता है, फिर ऑटोमेटिकली है। वन ड्रिवन कार है ये, 2014 की गाड़ी है ये, चली भी आपको अराउंड 32,000 चली भी गाड़ी है। इसका प्राइस क्या बोलो, इसकी प्राइस 45 लाख है। ये पूरा ऊपर से ये पूरा ओपन हो जाता है, पूरा ओपन होता है, टू सीटर समझ लिया। अब आ जाते हैं, ये कौन सी कार लगी हुई है, ये क्रॉस पोलो हो गई, क्रॉस वैगन की क्रॉस पोलो हो गई, वो भी लग्जरी में आती है। ये 2014 मॉडल वेरिएंट है, इसकी प्राइस है 480, फुल्ली एयरबैग के साथ ये भी है, 34,000 चली हुई गाड़ी है। फॉक्स वैगन वैसे सेफ्टी के मामले में बहुत 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 कंफर्टेबल ज़्यादा है, और ये इसकी क्रॉस पोलो वेरिएंट है। इसका प्राइस ईयर हमने सब बता दिया, 4 किलोमीटर इसका पर ही है, 34,000 किलोमीटर चली भी आ रही है, 2014 वेरिएंट है। ओके, चलिए अब आ जाती है हमारे पास ये सबसे बजट का, अल्टो हो गई हमारी जी, 2008 मॉडल गाड़ी है ये, जेन्युइन 33,000 गाड़ी चली हुई है, 1,25,000 की फर्स्ट प्राइस डिमांडिंग प्राइस है ये अल्टो जी। प्राइस तो कुछ अगर लोग बात करें तो निगोशिएट भी हो जाएगा जी हाँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ इसमें ज़्यादा वो बजट होता नहीं है, तो कम बजट के लिए गाड़ी है बिल्कुल। तो ये आपकी हो गई, इसमें उस समय सेंट्रल लॉक नहीं आता था कि चारों डोर खुला हो, वो लगा सकते हैं। अच्छा, इनबिल्ट करा सकते हैं पुराने वाले में भी। चलिए यहाँ पे आ गई सर्वोलेट जी, सर्वोलेट बीट हो गई जी हाँ, तो ये आगे उधर से ही दिखाते हैं, इधर जगह नहीं है थोड़ा। हाँ, सर्वोलेट बीट हो गई, 2012 मॉडल गाड़ी है, डीजल है, टॉप मॉडल है, इसकी कीमत है 2,35,000 जी। ये कितने चली हुई है, ये चली हुई अराउंड आपको 42,000 जी। राइट साइड से दिखा देते हैं, ये कार अक्सर मुझे कंफ्यूज करती है, और वो कंफ्यूज करने का ये मुझे अक्सर कंफ्यूज कर देता है, जो यहाँ से इसका ओपन करने का है, ओपन इसमें ऊपर से। हाँ, हो गया, बंद कर दीजिए। चलिए अब ये वैगन आर के बारे में हम बात करते हैं, ये तो डिमांडिंग आ रही है, 2013 की वैगन आ रही है जी हाँ। इसकी हमने कॉस्ट प्राइस अपनी 285 ये चली भी देखा, 43,000 चली गई गाड़ी, टॉप मॉडल है BX जी, मिड फैमिली के लिए डिमांडिंग गाड़ी है। और VXI आपको तो पूरा सारा सेंट्रल लॉक के साथ आ जाता है, सेंट्रल लॉक सारा कुछ इसमें उपलब्ध है, और सब म्यूजिक सिस्टम सभी कुछ इसमें इनबिल्ट है, इनबिल्ट है इसमें।
और हमें इस कार के बारे में एक बार और फिर से बता दीजिए, मुझे याद है। ये गाड़ी मिड फैमिली बजट की कार है, ये तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। वैगनार 2013 की गाड़ी है। जी हाँ, 275 इसकी कॉस्ट प्राइस पड़ेगी और ये चलिए 43,000 ड्रिवन है गाड़ी, बहुत अच्छी गाड़ी है। 43,000 जी। फ्रंट से भी काफ़ी फिनिश और बची हुई गाड़ी लगी। हाँ, पूरी बची हुई जो है ओरिजिनल पीस पे गाड़ी। एक्चुअली ये लोग ये तो फैमिली यूज होती है, तो ज्यादा मतलब बची हुई रहती है नॉर्मल। चलिए अब सेकंड चलते हैं, हुंडई i20 एक्टिव लग रही है, एक्टिव ऐसे स्टॉप मॉडल है, पेट्रोल ही है, पेट्रोल ही है जी। ये डॉक्टर ड्रिवन कार ये भी है, मिड बजट के लिए बहुत अच्छी कार रही है। अगर अगर कोई अपने पर्सनल यूज के ले रहे हैं पेट्रोल रेंज में, 2015 की गाड़ी है, चली हुई आपको 27,000 चली हुई है, डॉक्टर ड्रिवन कार है ये। 27,000 ये आप प्रीमियम सेगमेंट में ही कह सकते हैं, क्लास एलीट क्लास। ये गाड़ी शायद वो चली इस गाड़ी का ये क्या बताए थे, कब की गाड़ी है? 2015 की गाड़ी है, 27,000 चली हुई अराउंड है, पेट्रोल वेरिएंट है, टॉप मॉडल है, एक्टिव एसएक्स है विद अलॉय व्हील, इंटीरियर इसका ड्यूल टोन में आता है इसका जी, डॉक्टर ड्रिवन कार है, पर्सनल यूज के लिए बहुत बेस्ट गाड़ी। अब आ जाते हैं छोटी गाड़ी में, आपको सेंट्रो हो गई, हुंडई सेंट्रो हो गई, जिंक टॉप मॉडल 2012 की है जी, ये भी अच्छी गाड़ी है, 2012 मॉडल है, मिड सेगमेंट का 2,50,000 इसका कॉस्ट प्राइस है। इसका किलोमीटर कितना बताया आपने? 45,700 किलोमीटर चला। अच्छा, यहाँ पे दिख रहा है शायद, ये लोग दिख पाए तो जी। और म्यूजिक सिस्टम सब कुछ लगभग इनबिल्ट है इसमें भी जी। चलिए अब आ गई अपनी है। ये कौन सी कार हो गई? न्यू शेप में है जी हाँ, स्विफ्ट डिजायर न्यू शेप ऑटोमेटिक ये है, ये 22,000 गाड़ी चली हुई है, बिल्कुल नई कंडीशन में न्यू शेप गाड़ी है। इसका ऑटोमेटिक मॉडल जी हाँ। अच्छा, ऑटोमेटिक मॉडल है ये, पेट्रोल है? डिमांडिंग आ रही है, डीजल में न्यू शेप में ये है, जो न्यू शेप में आई है स्विफ्ट डिजायर VDI है ऑटोमेटिक रेंज में, ये लेडीज के लिए बहुत अच्छी गाड़ी, कंफर्टेबल है, क्योंकि गाड़ी बीच में धूप धाप बंद नहीं होती है, ना जाम में बंद होगी ना कुछ होगी। हाँ, वो तो जो गियर जिसको अच्छा से ऑपरेट नहीं करने आएगा उसको तो प्रॉब्लम है। As like you can say that it's automatic, activa you are driving. और यहाँ सारे कंट्रोल्स हैं आपको सर। तो इसका क्या दाम और किलोमीटर हमने बताया था? आपको 22,000 गाड़ी चली हुई है, 7,25,000 कॉस्ट प्राइस है, 18 की गाड़ी है, 2018 की न्यू शेप में डिजाइन है, ऑटोमेटिक रेंज। और कुछ वर्क भी ये सब जो है सारा कुछ फिनिश है, ये सब क्रोम वगैरह सारा कुछ फिटेड है। ये तो अब इसके बाद पीछे आ जाते हैं, फिर बड़े वाला हो गया एक्सयूवी टाइप में। एक्सयूवी रेंज में कौन कौन सी गाड़ी देख लेते हैं। एक्सयूवी 500 ये कौन सी? W8 है। W8 ओके, 2013 की गाड़ी है, 2013 मॉडल, कितना ये चली हुई है? 62,000 चली हुई गाड़ी है, इसकी प्राइस है 7,50,000। कब की मॉडल है? 2013 की है, 13 की मॉडल जी। हम दिखाएं थोड़ा, इसमें ये लेदर सीट्स आते हैं, फैब्रिक ये लगा जी, और 7-सीटर कार, 7-सीटर कार एक्स यूवी रेंज में, ये तो 7 एयरबैग्स के साथ आती है। नहीं, इसको इसका एसी का वेंट हो गया। अच्छा, इसका पिलर्स में होता है। इसको फ्रंट से दिखा देते हैं, अब सेकेंड ये रेनॉल्ट डस्टर हो गया, रेनॉल्ट जी, इधर 2014 वेरिएंट कार है, रेनॉल्ट डस्टर, 39,000 किलोमीटर चली हुई है, टॉप मॉडल जा रही है, इसकी कॉस्टिंग कितना किलोमीटर चला हुआ? 39,000 39 हमको 9 में चली
ये आपको पड़ेगी 6 लाख मिनी एमयूवी होगी ये जी, किसी को ड्राइविंग के लिए मतलब की सीट वगैरह स्कूल वगैरह के ड्रिवन के लिए वो भी ओमनी हमारे पास है। तो इसका क्या प्राइस रेंज हो गया? इसका ये 2006 मॉडल कार है जी, इसका आपको प्राइस है 1,40,000। चलिए अब यहाँ आ जाते हैं सफारी, ये सफारी होगी। तो पीछे से पहले प्राइस बता देते हैं हम यहाँ की, क्या सफारी स्टॉर्म हो गई जी, ये 2014 वेरिएंट कार है, ये 6 लाख की कॉस्ट प्राइस है, ये चलेगी आपको 65,000। ये टाटा सफारी स्टॉर्म हो गई जी। इसके पीछे भी वेंट दिए हुए हैं, एसी वेंट्स जी। 7 सीटर कार है, फुल्ली लोडेड कार। एक फ्रंट व्यू दिखा देते हैं, चलिए अब बोलेरो। हाँ भाई, ये बोलेरो सबसे डिमांडिंग गाड़ी, ये आपको 2013 की कार है, ये टॉप मॉडल रिलक्स है, इसकी कॉस्ट प्राइस आपको पड़ती है 5 लाख रुपीज़ जी। चार कार को एक बार दिखा देते हैं, चार व्हील नया है इसका जी जी, टायर जो ज़रूरत के अनुसार हम लोग खुद बनवाते हैं या बदलवा देते हैं, कस्टमर को दिक्कत नहीं हुआ। आफ्टर सेल सर्विस के लिए कुछ वारंटी? हाँ, 6 महीने के लिए सर्विस हमारा ये दिया हुआ है, 6 महीने का आपको गारंटी है इंजन और गियर बॉक्स के लिए। चले और पीछे से एक बार दिखा देते हैं, इसको लोग कुछ ज़्यादा अच्छा से देखना पसंद करते हैं कि रवि भाई तुमने दिखाया नहीं पूरे तरीके से। हमारे पास ट्रेवेरा भी, ZLX। चलिए इसको अंदर से दिखा के आते हैं। इस कार के बारे में कुछ बताइए। ये कार में आपको टॉप मॉडल है, सारा कुछ बोलता है, एयर प्रेशर के बारे में, हाउ मच इट इज लो और हाउ मच इट इज हाई, सारा कुछ खुद बोलता है वो जी। एक बार हम आपको मर्सिडीज की दिखा देते हैं, कुछ फुल्ली कन्वर्टेबल कार कुछ इस तरह से आपको लगेगी देखने में। तो ये तो बहुत प्रीमियम फील हो गया, ये पूरा प्रीमियम फील वाली कार, पूरा प्रीमियम फील वाली ये कार। चलिए हम आते हैं अब फिर से टवेरा की तरफ। ये टवेरा कौन सी मॉडल है? ये आपको 2012 की गाड़ी है जी, टवेरा टॉप मॉडल से एक मॉडल नीचे है, इसकी एसी बहुत चिल्ड करती है, 7 सीटर कार है, ये कैप्टन सीट कार है। की यही कार है जो कि कमर्शियल में सबसे ज़्यादा सेल होती है, कमर्शियल में भी बहुत ज़्यादा सेल होती है जी। इसका क्या प्राइस मॉडल बताएं हम सुन नहीं पा रहे। प्राइस आपको है सर 2012 की ये मॉडल है, हाँ। इसकी प्राइस आपको है 4 लाख रुपीज़, 7 सीटर कार है, पैंथर कैप्टन सीट कार है। अब अंदर से इसको भी ओपन है, यहाँ से ओपन अप करके देख लीजिए कार को, और बाकी जो है कॉन्टेक्ट नंबर आपको जो है जो आप कमेंट स्क्रॉल करते हैं, हाँ। तो फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, इनका नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा जिस पर आप बात कर सकते हैं। अब हमें बताइए कि जो हम जब कार लेने जाते हैं जी, तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है अगर हम फाइनेंस करवाते हैं? अगर फाइनेंस करवाते हैं तो 2 साल का ITR चाहिए, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, करंट जो चल रही अभी है, और आपको 4 चेक लगती है, वो अग्रीमेंट की टाइम लगती है,
आपको अगर सिविल चेक होती है तो तुरंत आपको 4 से 5 दिन के अंदर हम लोग, जिसके पास ITR फाइल नहीं है वो बैंक स्टेटमेंट दे सकता है, बैंक स्टेटमेंट दे सकता है, उन पे देख लेंगे। अगर वो जॉब में है तो सैलरी स्लिप चाहिए होगा, ठीक है। अगर वो जॉब में नहीं है तो अगर कोई गाँव के बंदे हैं उनका भी देख लेते हैं, वो एग्रीकल्चर वाला, वो उनको लगाकर वो हो जाता है। बाकी आप कॉन्टैक्ट में बात कर सकते हैं, प्राइस थोड़ा निगोशिएबल है, एक हद तक मिनिमम मार्केट है आप है, हाँ कंपटीशन की मार्केट है, लेकिन प्राइस हमारे यहाँ निगोशिएबल है थोड़े मोड़े, और बाकी कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ आपको ऑफिस की कोई चार्ज नहीं है, ट्रांसफर चार्ज। जो आइएगा पटना में तो पटना में आपको बोरिंग रोड में आप देख सकते हैं, इस तरह से कुछ बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा, स्क्रीन पे आपको एड्रेस दिख रहा होगा मिलेनियर्स ट्राई के नाम से। अब ट्रांसफर सब कुछ यहाँ से करवा के देते हैं, बिहार से आप कहीं से भी किसी गाँव से आइएगा आपका यहाँ फाइनेंस हो जाएगा, सही है, ठीक है। तो यही था हमारा आज का वीडियो, और आगे कुछ और करेंगे हम लग्जरी कार्स के लिए, और भी लग्जरी कार्स है, और हमारे पास कुछ और मॉडल्स है स्विफ्ट डिजायर की, वो हमने नहीं बताया। अरे डिजायर वो और है, थोड़ी गई भी है, वो दिखवाना है उस शोरूम पे हमारे। हाँ तो मॉडल बता दीजिए हमें एक बार। मॉडल वाला स्विफ्ट डिजायर का हमारे पास 2015 की है, 16 की है, 14 की है, 13 18 की हमने दिखाई। 18 की तो न्यू शेप है, वो तो ऑटोमेटिक हो गई, वो तो दो शोरूम से दोनों का एड्रेस आप फिर से एक बार देख लीजिए। एक हमारा शोरूम आपको बिग बाजार एग्जीबिशन रोड डी ब्लॉक हो गई, और दूसरा जो हमारा ऑफिस है ये बोरी रोड पंचमुखी मंदिर टाटा मोटर शोरूम के पास इन पटना। बिल्कुल, तो बिहार के लोग ज्यादातर कॉल करें क्योंकि बिहार में ही कार हम कर पाते हैं जी, क्योंकि वहाँ ही का फाइनेंस हो जाता है। बाहर से अगर आप ले जाते हैं डायरेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइनेंस सिर्फ बिहार का ही होगा, ये क्लियर कर दिया हमने। चलिए तो जो भी कार से अब यही आप अभी तत्काल यहाँ देख पा रहे हैं, और बाकी जो कार से अगर आप वीडियो रिस्पांस रहेगा तो फिर दोबारा हम वीडियो बना के आपको दिखाएंगे जैसे जैसे कार अपडेट्स होगी। थैंक यू।